पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के कहर ने मानो जैसे कोहराम मचा रखा है और पूरी दुनिया इसकी दहशत से पार पाने के लिए जूझ रही है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीन से इस वायरस का असर अब कम होता जा रहा है। जबकि चीन में कोरोना के कहर के बाद अब एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। चीन के यूनान प्रांत से खबर आ रही है कि यहां एक व्यक्ति की एक वायरस से मौत हो गई है। कोरोना के बाद अब चीन पर मंडरा रहे इस नए वायरस का नाम है हंता वायरस, जिससे यहां एक शख्स की मौत हुई है। ऐसे में इस शख्स की मौत के बाद चीन की सोशल मीडिया पर हंता वायरस का खौफ दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि चीन में हंता वायरस फिर से कोरोना की तरह कोई महामारी न बन जाए। दरअसल चीन के यूनान शहर में हंता वायरस से पीड़ित एक व्यक्ति बस में बैठकर जा रहा था, जिसकी बाद में मौत हो गई। प्रशासन ने इसके बाद उस बस में बैठे सभी लोगों की जांच भी कराई, ताकि इस वायरस के फैलने की सारी संभावनाओं को खत्म किया जा सके। इस वायरस की जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी है, जिसके मुताबिक इस वायरस का अन्य कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद अब चीन की सोशल मीडिया पर हंता वायरस को लेकर चर्चाएं तेजी से वायरल हो रही है। इसके साथ ही लोगों को यह डर भी सताने लगा है कि कहीं यह वायरस भी कोरोना की तरह से एक नई महामारी का रूप ना ले लेवे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक राहत की बात यह भी है कि यह वायरस कोरोना की तरह से घातक नहीं है। यह वायरस चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से इंसानी शरीर में फैलता है और इसके संक्रमित व्यक्तियों के मरने का आंकड़ा 38% है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आ जाता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति चूहों के मल, पेशाब आदि को छू लेने के बाद अपनी आंख, नाक या फिर मुंह को छू लेता है तो उसके हंता वायरस से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वायरस से संक्रमित होने पर इंसान को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, उल्टी और डायरिया जैसी परेशानियां होने लग जाती है। इलाज में अगर देरी हो जाए तो संक्रमित इंसान के फेफड़ों में पानी भी भर जाता है और उसे बाद में सांस लेने में परेशानी आने लगती है। बहरहाल चीन के हंता वायरस का यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि चीन के लोग जानवरों को जिंदा खाना बंद नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया को इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।